लोग मिलके न खाते हैं, सब लोग मिलके मार लिए हैं। ये जो कहते हैं कि पुल टूट रही है, पुल कैसे टूट रहा है? 2 साल आपकी सरकार थी, पूरा बिहार कोलैप्स है, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलके मस्त। सर मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया, रुपौली पर आज मेरी पीसी थी, जो मर्डर हुए है उसमें किन किन लोगों की भूमिका है मैंने आज खुलासा किया है, कर दिया है। जो प्लॉट लिखा गया वो गलत था, संजय भगत या सूटर का नाम जो लिया गया वो गलत था, जो फंसाए गए हैं जिन लोगों ने मारा उसका नाम मैंने लिया है, चाहे वो दीपक जादूका हो, चाहे शंभू जायसवाल हो, चाहे जिन जिन लोगों की ग्रुप थी, फर्जीवाड़ा जिसने किया उसमें कैलाश मंडल है, उसमें जितेंद्र मुखिया है, या अन्य लोग है, बिट्टू मंडल है, 3 जमीन के कारण भी ये जो लोग हैं, जो उनके भाई ने मुझको कहा, गलत तरीके से इन्होंने मार के बाथरूम में लाठी प्रवेश करवा करके उन्हें, जबकि मैंने सीढ़ी दिखवाई, जो विकास है वो मोटरसाइकिल पर पीछे है, पुलिस कह रही है कि विकास ड्राइव कर रहा है, जबकि विकास पीछे बैठा हुआ है, वो पूरा माथे में बना हुआ है, जो थाने में वो गमछी है, और कैलाश कहीं से नहीं है, और पुलिस यह बात बताने को तैयार नहीं है, ना कुछ प्रूफ दिया, ना कुछ दिया, प्लॉटिंग बना दी और गलत तरीके से बात। अभी मैंने यही कही है, मैं इसको थ्रोली देख रहा हूँ, मैंने सरकार से हाईकोर्ट या SIT जांच मैंने कहा है करने के लिए, या CBI जांच के लिए। सर उपचुनाव में भीमा भाई गठबंधन को मजबूत करने के लिए पप्पू को साथ देना चाहिए? देखिए मैं एक बात बहुत क्लियर कह दें, निश्चित रूप से हमारे अपने साथियों के निर्णय जो होंगे वो मजबूती के साथ में साथियों के साथ, निश्चित रूप से साथियों की बातचीत हो रही है, और 48 घंटे के अंदर इसका खुलासा। और एक अंतिम सवाल सर, वो कुछ दिन पूर्व सर रंगदारी का मामला दर्ज हुआ था, और जो आप बचकाना नहीं करते, ये मैटर कुछ है अब जो आप बात है सर, उसमें वो फोटो रिलीज किया है, क्या फोटो साथ में अमित यादव जो है उसके साथ में पप्पू यादव, ये क्या हो गया? तो इंजीनियर है, स्कूटी में इंजीनियर है, उसके साथ ही कौन सी नई बात है? तो क्या ये 2 महीना के पहले की चीज है? अमित तो स्कूटी में इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट है, तो साथ तो होगा ना, ये कौन सी बात हो? और उससे कुछ है ही नहीं, उसके उसके साथ उसके घर का मामला है, क्या बोलते रहते हैं यार, कुछ भी नहीं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।